इंडिया न्यूज आपके साथ में हूं वंदना सोही। स्पेशल स्टोरी में आज हम उस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है, जिसको लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। हम बात कर रहे हैं मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी नीट के रिजल्ट के बाद से मचे बवाल की। नीट पेपर लीक को लेकर मेडिकल फील्ड में इस वक्त खलबली मची हुई है। नीट रिजल्ट जारी होने के बाद से ही शहर शहर हंगामा हो रहा है और नीट रिजल्ट को कैंसिल कर दोबारा एग्जाम कराने की मांग की जा रही है। नीट पेपर लीक को लेकर पटना से गोधरा तक कई सबूत भी मिल चुके हैं जिस पर आज हम एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे खास रिपोर्ट। मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट नीट में धांधली को लेकर देश भर में बवाल जारी है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्र नीट आयोजित करने वाली संस्था एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर सवाल उठा रहे हैं। शिक्षा नगरी कोटा में भी छात्रों का प्रदर्शन जारी है। कोटा में कांग्रेस स्टूडेंट विंग एनएसयूआई की अगुवाई में छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट के बाहर हो रहे प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झड़प भी हुई। छात्रों ने नीट एग्जाम में धांधली का आरोप लगाते हुए दोबारा एग्जाम कराने की मांग की है। सभी छात्र अपनी मांग रखना चाहते थे कि जो नीट में धांधली हुई है उसमें प्रशासन और सरकार कार्रवाई करे, सरकार अपनी चुप्पी तोड़े और जवाब दे। पर जिस तरीके से सरकार के दबाव में आज प्रशासन ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया है, सरकार की मंशा को साफ दिखाता है कि वो छात्र हितों में निर्णय नहीं लेना चाहती। आज कलेक्ट्री पर जो लाठीचार्ज हुआ है उस समय प्रदर्शन के दौरान हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी विनोद झाकड़ और प्रदेश प्रभारी अखिलेश यादव जी हमारे साथ मौजूद थे। इस लाठीचार्ज में मुझे स्वयं को भी लाठी प्रशासन द्वारा पड़ी है, पर ये लाठी एनएसयूआई की आवाज़ को नहीं दबा पाएगी। हम मांग करते हैं कि सरकार इस पर सख्त कानून बनाकर इस पर अपनी कार्यवाही प्रदान करे। नीट पेपर लीक को लेकर पटना में भी छात्रों में उबाल है। छात्र नीट रिजल्ट को कैंसिल कर दोबारा एग्जाम कराने की मांग कर रहे हैं। इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी माना कि एनटीए की तरफ से कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। एनटीए में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस धांधली में शामिल होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। प्रारंभिक जानकारी ये तो आई थी, कुछ छात्रों को कम समय मिलने के कारण उनके वहाँ थोड़ा रोष थी, उनको कुछ वैकल्पिक ग्रेस मार्क की व्यवस्था दिया गया था जिसको भी इस बीच में सरकार ने नामंजूर करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 1563 बच्चों की पुनः परीक्षा की आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट की सुझाव पे। दूसरा, दो जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है, वो जानकारी हमको मिली है। हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। नीट पेपर में धांधली को लेकर रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। कोर्ट में नई नई याचिकाएं दाखिल हो रही हैं। अब ऐसे में सबकी निगाहें 8 जुलाई पर टिकी हैं, जब देश की सबसे बड़ी अदालत इस मामले में सुनवाई करेगी और अपना फैसला सुनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।